Hi everyone, this is Neha from Rajkumari Dress Up Like a Princess team, and here I am going to discuss about the value of time. How much time plays an important role in everyone's life. तो सबसे चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. तो जैसा कि मैंने इतने सालों में नोटिस किया है, किसी की भी लाइफ में जो टाइम एक बार निकल जाता है वो कभी वापस नहीं आता. तो हमें अपने टाइम की वैल्यू, अपने टाइम की इम्पोर्टेंस को बहुत अच्छे से समझना चाहिए और हमेशा ये ध्यान देना चाहिए कि हम अगर किसी चीज पे अपना टाइम लगा रहे हैं तो क्या वो टाइम देना इतना वर्थफुल है भी या नहीं. मैं कुछ कुछ एग्जाम्पल्स से आपको समझाऊंगी ये बात. आई होप आपको ये चीजें, मतलब मेरी जो भी मैं बातें डिस्कस करने वाली हूँ, आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंज जरूर लेके आएंगी. तो फॉर एग्जाम्पल, एक मेरे यहाँ पे एक एम्प्लॉय काम करता है और वो लगभग 7-8 किलोमीटर्स वॉक करके ऑफिस आता है. तो अप्रोक्सीमेटली 40-45 मिनट उसको वॉक करके आने में लग जाते हैं और वो थोड़े बहुत उसमें पैसे भी बचा लेता होगा एंड श्योर. लेकिन क्या इतना, मतलब अपने 40-45 मिनट इसमें वॉक करके ऑफिस आने के लिए उसे बर्बाद करने चाहिए, या फिर इसी टाइम में वो कोई स्किल सेट सीख सकता है और उस स्किल के थ्रू वो इतने जो भी 20-25 रुपए वो बचा रहा है, सेव कर रहा है, तो वो जाने कितने पैसे उस उतने से टाइम में बचा उतने, मतलब जाने कितने पैसे वो उस टाइम में स्किल को लर्न करके उसे ज्यादा, कहीं ज्यादा पैसे अर्न कर सकता है. बट लोग आज की डेट में, मतलब अभी तक काफी सारे, लगभग 60-70% लोगों की सोच ये होती है कि हम पैसे बचा लें, बल्कि उन्हें ये सोचना चाहिए हम पैसे ज्यादा से ज्यादा कमा कैसे सकते हैं. बचाने से ज्यादा हमें कमाने पर ध्यान देना चाहिए और कमाने के लिए हमें अपने टाइम की इम्पोर्टेंस समझनी पड़ेगी. और आज की डेट में टाइम इज मनी. जितना आपके पास टाइम है और जितना आप अपने टाइम को वाइजफुली यूज करोगे, उतना ही आप अपनी लाइफ में ज्यादा पैसा कमा सकते हो या ज्यादा सक्सेसफुल बन सकते हो. तो मेरे हिसाब से, मैं तो अपना एक एक मिनट भी कोशिश करती हूँ कि बिल्कुल, मतलब किसी ना किसी, उस एक मिनट जो मैंने टाइम अपना इन्वेस्ट किया है उससे मुझे कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट मिलना चाहिए, चाहे वो मेरी स्किल ऐड हो रही हो या मैं कोई प्रोसेस डेवलप कर ले रही हूँ. तो हमेशा मैं अपनी टीम को भी हमेशा यही सलाह देती हूँ कि कभी भी आप कहीं पे भी अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसको मेजर जरूर करो और उस पर ध्यान दो कि आपने ये इतना टाइम इस चीज में लगाया है तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी लाइफ में. जैसे कि आजकल के बच्चे इंस्टाग्राम पे अपना काफी समय बर्बाद करते हैं, बहुत देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, तो इससे आपकी लाइफ में क्या वैल्यू ऐड हो रही है. अगर आपने 4-5 घंटे वीडियोस देखे, रील्स देखी और अपने 4-5 घंटे लगाए हैं उसमें, तो इससे आपने क्या सीखा, क्या उन कंटेंट क्रिएटर्स की वीडियो से आपने कुछ सीखा है, या आप भी कुछ उस तरह का कंटेंट बनाने चाह रहे हैं. अगर वो 4 घंटे आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करें या हेल्पफुल हैं या आप उसे कोई स्किल सीख रहे हो, तो ऑब्वियसली वो आपने 4 घंटे बर्बाद नहीं किए. लेकिन अगर जस्ट सिर्फ मजे के लिए या ऐसे ही, मतलब स्क्रॉल कर रहे हो और अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो, तो आज नहीं लेकिन आज से आने वाले 4-5 सालों बाद आप जरूर रिग्रेट करोगे कि मैंने अपना उतना टाइम इन चीजों में क्यों लगाया, इस टाइम में मैं कुछ भी कर सकता था. तो हमेशा अगर आप किसी से मिल रहे हो, किसी दोस्त से मिलने जा रहे हो या किसी के साथ भी टाइम स्पेंड कर रहे हो, तो उसका आउटकम क्या आएगा उस पर जरूर ध्यान दो. दो बार किसी के साथ मीटिंग शेड्यूल करने से पहले कम से कम ये एनालाइज करो कि इस मीटिंग के बाद इससे जो भी आउटकम आएगा या क्या रिजल्ट आएगा, मेरी लाइफ में क्या चेंज आने वाला है, क्या मेरे बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा या मेरी स्टडीज में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इस बंदे से मिलने के बाद, 1-1.5 घंटा मेरा टाइम लगाने के बाद. तो उन चीजों पे जरूर ध्यान दीजिए आप लोग भी जो भी ये वीडियो देख रहा है. तो मेरे हिसाब से इतना ज्यादा पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि टाइम इम्पोर्टेंट होता हमारी लाइफ में. एक बार टाइम अगर निकल जाता है तो वो फिर कभी लौट कर नहीं आता. तो इसलिए अपने टाइम को कहीं पर भी लगाने से पहले
10 बार सोचिए उसके बारे में कि हाँ ये यहाँ पर समय लगाना जरूरी है या नहीं है। अगर वो चीज अवॉइड हो सकती है तो मेरे हिसाब से आप लोग उसको अवॉइड करके अपने उस टाइम को कहीं और लगाइए, किसी और स्किल को बढ़ाने के लिए उसको यूज करिए। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बस इस वीडियो के माध्यम से मैं यही कहना चाहूंगी कि अपने टाइम की वैल्यू को समझिए। जब तक आप अपने टाइम की वैल्यू को खुद नहीं समझेंगे तो दूसरे आपको हमेशा आपको बेवकूफ बनाते रहेंगे और वो आपका टाइम ऐसे ही बर्बाद करवाते रहेंगे। तो अपने टाइम की इम्पोर्टेंस आपको खुद ही समझनी पड़ेगी, तभी कोई और समझेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज एंड सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ या अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, जिसके साथ भी आपको लगता है कि जो अपना टाइम ऐसे वेस्ट कर रहा है। तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर एवरीवन, इवन फॉर स्टूडेंट्स। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी वीकेंड।